ठीक हो? आधुनिकता के समाज में जहां आज एक तरफ लोग पड़ोस में भी अगर कुछ हो रहा हो वहां भी एक दूसरे के सुख दुख से मतलब नहीं रखते हैं, वहीं पर हमारी राजधानी में एक ऐसे भी शख्स रहते हैं जिन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद पूरा जीवन समाज के नाम कर दिया। आइए हम आज उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? राजा गोपाल सान्याल। अच्छा, तो आप कब से समाज सेवा कर रहे हैं? मैं 96 में रिटायर हुआ हूँ रेलवे से, और उसके बाद से जो है ये सेवा कार्य में ही जो है लगा हूँ। मेरे साथ जो है करीब 20 डॉक्टर हैं जो गरीबों की सेवा करते हैं, प्लस एक जो है मेरे पास होम्योपैथिक की डिस्पेंसरी भी है जिसके माध्यम से जो है हम गरीबों की सेवा करते हैं। 15 रुपये केवल जो है उनसे एक हफ्ते की दवा के लेते हैं, और 15 रुपये में ही जो है उनकी ब्लड शुगर भी जो है जाँच कर देते हैं। इस तरह की सेवाएं जो है ये हम पिछले 22-23 साल से जो है वो चला रहे हैं। अच्छा, आपके मन में विचार ये कब आया था जब आप नौकरी करते थे? हाँ, तब से जो है सेवा की एक भावना तो थी ही, बचपन से ही थी, मैं ये तो यूं कहूँगा। और जब मैं बिल्कुल सेवानिवृत्त हो गया, जब मेरी सारी जिम्मेवारियाँ जो है कम होने लगी, तो फिर ऊपर वाले ने जो है ये प्रेरणा दिया है। मेरे अपने से तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत इच्छा रखने पर जो है ये हो नहीं पाता है। जब तक ऊपर वाले की प्रेरणा नहीं होगी, फिर समाज में जब तक आप देखेंगे नहीं, उससे आपके उद्गार बढ़ते हैं धीरे धीरे, फिर आप उसमें जो है खुद से रम जाते हैं। तो ये जो है पिछले 23 साल से जो है मेरी गाड़ी बड़े अच्छी तरह जो है मैं चल रही है। तमाम लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिनके माध्यम से जो है मुझे सहयोग प्राप्त होता है। उन्हीं के द्वारा जो है दिए गए सहयोग से जो है मैं गरीब लड़कियों की शादी में भी जो है थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, कभी कहीं कोई मिट्टी हो जाती है तो वहाँ मदद पहुँचा देता हूँ। मतलब जिस भी तरह हो सकता है, मेरी इच्छा यही होती है कि हमारा कुछ न कुछ अंश जो है सेवा के माध्यम से जो लोगों से प्राप्त है वो पहुँचना चाहिए। अच्छा, आप जो है लोग जैसे जो मदद करते हैं आपकी मालिया साथ में, तो इसके अलावा भी आप जो है पेंशन से भी आप शायद? हाँ, अपने अपना हिस्सा तो है ही, कुछ ना कुछ तो है। जैसे अब हमारे यहाँ दशांश जो है ऐसे लगा हुआ है, तो हम कम से कम ये तो कोशिश करते हैं कि मेरी जो निजी कमाई है उसमें से भी है एक हिस्सा तो जाना चाहिए ना। चैरिटी जो है घर से शुरू होती है, चैरिटी बाहर से शुरू होती नहीं है, तो घर से ही शुरू करना पड़ता पहले, तो घर से शुरू किया है। आज भी जो है जितनी मेरी सामर्थ्य है उसके हिसाब से जो है मैं उसमें जो है अपना हिस्सा जो है डालता हूँ, प्लस जो लोगों से प्राप्त होता है उसके माध्यम से। तीज त्यौहार है, इसमें जो है कभी होली है, दिवाली है, दुर्गा पूजा है, ईसाइयों का पर्व है क्रिसमस, उसमें आम के सीज़न में जो है बच्चों को आम खिला देना, उनको जो है राशन पहुँचा देना, उनको सब्जी पहुंचा देना। सब्जी बहुत जिस समय सस्ती होगी सर्दियों के दिनों में, तो सब्जी ले जाकर के कच्ची सब्जी पहुंचा देता हूं। कभी उनको जो है नमक पारे, शक्कर पारे, केक लोगों के माध्यम से जो है जिनके बच्चों की पत्ती होगी सर्दियों के दिनों में, तो सब्जी ले जाकर के कच्ची सब्जी पहुंचा देता हूं। कभी उनको जो है नमक पारे, शक्कर पारे, केक लोगों के माध्यम से जो है जिनके बच्चों के बर्थडे होते हैं उनके बच्चों के जो है केक कटवा देते ले जाके वहाँ, प्लस किसी के पिताजी की जो है पुण्यतिथि है, उन्होंने इच्छा व्यक्त किया कि भाई हमें जो है सेवा करनी है, हमने कहा चलिए मेरे साथ, तो मोहनलालगंज में ले जाता हूँ जहाँ 4 साइटें हैं मेरे पास। मदर टेरेसा की सेवा के माध्यम से जो है 125 कुष्ठ रोगी हैं, उनकी सेवा होती है। उन्हीं का दूसरा ब्रांच है करुणालय जहाँ विकलांग मंद बुद्धि वाले रहते हैं 70, उनकी सेवा होती है। कैथेड्रल वाले जो है एक अंध विद्यालय चलाते हैं, वो भी मोहनलालगंज में ही है रायबरेली रोड के ऊपर, वहाँ भी 70 बच्चे हैं, उनकी सेवा होती है। देखा कि इनका कहना है कि समाज में अगर लोग बढ़ चढ़कर सेवा भाव से आते हैं तो लोगों की मदद कर सकते हैं,
ईटीवी भारत के लिए लखनऊ से निशिकांत त्रिवेदी।